ये देखो इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बच्चों को दिक्कत आता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 फ्रीक्वेंसी। अब फुल वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर हम सब पता है कैसा आउटपुट देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है इनपुट की। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल मतलब पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ से हमने एक इनपुट दिया, दिस इज द इनपुट सिग्नल। अब ये इनपुट हमने एक बार फुल वेव रेक्टिफायर को दिया और एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर को दिया। तो चलो ये मैंने दिया प्यारे बच्चों, यहाँ से ये जो चीज़ है, अगर मैं हाफ वेव ये इनपुट हाफ वेव रेक्टिफायर को दूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, बराबर है, प्लस 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 वाला नीचे वाला गायब। अगर यही इनपुट मैं फुल वेव रेक्टिफायर को दूंगा तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे 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 और ऐसे। ये अब ये कहता है ये जो इनपुट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ये द फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेट फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन, मतलब 50 हम ये जो ऑसिलेशन है, ये जो सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसमें जो पूछा जा रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल वेव फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, समझने की कोशिश करना अच्छे से। देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल रिपीट हो गया, टाइम पीरियड टी है। तो इस एक साइकिल इसको हम बोलते हैं एक सेकंड में ये वाली रिपीटेशन कितनी बार होगी, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो साइकिल है वो एक सेकंड में 50 बार हो रहा है, समझना। तो ये जो साइकिल है यहाँ पर एक सेकंड में ये साइकिल, यहाँ तो जीरो आ गया यार, ये तो जीरो 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 हो गया। तो उतना ही टी टाइम में ये जो साइकिल है यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार रिपीट हो रहा है यार। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी ये वाली चीज़ होगी, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है एक सेकंड में, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है एक सेकंड में, तो एक उसी टाइम में टी टाइम में ये तो एक ही बार रिपीट हो रही है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी एफ ही होता है, तो ये 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो साइकिल है वो ये वाली जो साइकिल है वो दो बार रिपीट हो रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी, फुल वेव में क्या रिपीट हो रहा है, फुल वेव में ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। और कितनी बार रिपीट हो रही है टी टाइम में, दो बार रिपीट हो रही है, देखो दो बार, ठीक है, और ये यहाँ पर और यहाँ दो बार, ठीक है, टी टाइम में। तो दो बार रिपीट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टू टाइम्स होती है। तो इसको याद कर लो कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी एफ होगा और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी 2f होगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी 2f होगा, तो 2f मल्टीप्लाइड बाई 50 दैट इज 100 हर्ट्ज, मतलब डी ऑप्शन सही है। चलो एक आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट